हाँ सर हो गया सपने से इंदौर में भी सील हुई, चार चौथे दिन वापस दुकानें खोल ली, दुकान खोल हेलो लाइसेंस आपका रिन्यू नहीं हो रहा है और फिर भी आप चला रहे हैं। डीलर है ये, देखिए ना आ रहा भाई, आ रहा छोटा वाला। नहीं नहीं खुद का प्रश्न श्रीमान, आपसे निवेदन है आज वर्किंग लोगों को जो दुकान का भी आप कर लेना, मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो वो क्या बच्चा वहाँ बैठ के मोबाइल का धंधा कर रहा है, वो धंधा बच्चे अभी आया था दौड़ता हुआ बच्चा। अरे मेरा बेटा था बोला था लगी आप तो जानकारी क्या लगी, किन कारणों से? सन 2018 से हमारे लाइसेंस शासन से अभी रिन्यूअल होकर नहीं आए हैं, इसी कारण जो है ये दुकानें सील की गई हैं, ताकि लाइसेंस रिन्यूअल कराने में हमको भी मदद मिले और हमको भी हो कि भाई रिन्यूअल करना चाहिए। आपने पूर्व में कोई आवेदन दिया था लाइसेंस नवीनीकरण के लिए? हाँ दिए, अपने कलेक्टर साहब को भी दिए हैं और भोपाल में भी दिए हैं। क्या कारण रहा कि नवीनीकरण नहीं हुआ अभी आज तक आपके 18 के बाद? भाई हमारे देवास से तो कलेक्टर साहब ने, SP साहब वगैरह ने, सबने रिकमेंड करके भोपाल प्रकरण भेज दिए। अब ये भोपाल वालों का काम है रिन्यूअल करना या ना करना। अच्छा आपकी कितनी दुकानें आज सील की गई है? जी कितनी दुकानें सील की गई आपकी आज? देवास में 3 दुकानें हैं, तीनों दुकानें सील की गई। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अशरफ इस्त्री है, आम सेमिनेशन की बिजनेस है मेरा। क्या दुकान का नाम है? नेशनल आम सेमिनेशन। ठीक है, मैं कई दुकानों पर, फायर दुकानों पर कार्रवाई की, किस तरह की कार्रवाई की गई और क्या कुछ कहना चाहिए? जी श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा आदेशित किया गया है, जो भी फायर दुकानें हैं या गन सप्लाई की दुकानें हैं जिनके द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराए गए हैं, उनको आज सील करने की कार्रवाई की गई है। शहर में कितनी दुकानों का भी कार्रवाई की गई? जी अभी ये मुझे जानकारी देना पड़ेगी, संभवतः 3 या 4 दुकानें हैं जिन पर कार्रवाई की जा रही है, अलग अलग दुकानें हैं उन पर अलग अलग टीम गई हुई है। सभी दुकानें सील कर दी गई हैं? जी अब सील करने के लिए टीम गई हुई है, ये अभी मुझे जानकारी है। थैंक यू। किन निर्देशों के तहत हुआ है? 3 दुकानें सील की गई हैं शहर में। ये नेशनल आर्म्स का चूँकि एड्रेस चेंज हो गया था, पुराना एड्रेस इनका तो बदल गया था, तो नए एड्रेस पर फिर हम लोग इन्फॉर्मेशन मिली तो उसके परिणाम हो गया है। विगत कुछ दिनों पहले अपर जिला दंडाधिकारी और एडिशनल SP साहब के नेतृत्व में जांच की गई थी, तो इनके कुछ इश्यूज़ पाए गए थे इरेगुलरिटीज या नवीनीकरण के संदर्भ में, तो उसी संदर्भ में जिला दंडाधिकारी द्वारा इन तीनों लाइसेंस के शॉप्स को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। उसी के परिपालन में मैं, मेरे तहसीलदार दोनों सुश्री सपना शर्मा और रवि शर्मा तथा जिला पुलिस बल के नेतृत्व में तीनों दुकानों पर जाकर मौके से दुकानों को जैसा है वैसी स्थिति में सील बंद किया। सर लाइसेंस नवीनीकरण के कुछ आवेदन इनके पूर्व प्राय, अब वो उसके बारे में मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि वो मेरा विषय नहीं था, तो उसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। अभी सर शहर में कौन कौन सी दुकानें सील की गई हैं? 3 दुकानें सील की गई हैं, नेशनल आर्म्स डीलर्स की है, एक जयप्रकाश नगर पे देवास आर्म्स डीलर की है, और एक मालवा नई आबादी में मालवा आर्म्स की है। ठीक है।